जय माता दी दोस्तों, आपका दोस्त मोहित राघव फिर आपके साथ जुड़ गया है लेकर एक और मैच। बात करेंगे वीडियो में तमिलनाडु प्रीमियर लीग टीएनपीएल के मैच की। मैच किसके बीच है? मैच है डिंडिगल ड्रैगन्स वर्सेस आई ड्रीम त्रिपुर तमिजंस के बीच। आईटीटी वर्सेस डीजीडीए मैच है। दोनों टीमें, आईटीटी ने एक मैच खेला और डीजीडी ने तीन मैच ऑलरेडी खेल चुके हैं, दो जीते एक हारे। इस मैच का नतीजा क्या हो सकता है, क्या फैक्टर्स रहेंगे, पिछले मैच में क्या प्लेइंग 11 दोनों टीमों की थी, क्या बदलाव हो सकते हैं, स्मॉल लीग, मिनी ग्रैंड लीग, ग्रैंड लीग टीम क्या बनेगी वीडियो में, वो हम सारी बातें वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको पहले तो वीडियो लास्ट तक देखनी है। दूसरी बात आपको जो करनी है वो ये कि ज्वाइन करना है मेरा टेलीग्राम चैनल। ठीक है, कैसे करना है, इस वीडियो का जो सबसे ऊपर वाला कमेंट है वहां मैंने टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्लिक करें और सीधा जुड़ जाए टेलीग्राम ऐप पर, टेलीग्राम चैनल पे मेरे पे। अगर टेलीग्राम आपके फोन में नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए और उसके बाद जुड़ जाइएगा। ठीक है, अगर लिंक से आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे तो फिर क्या करें, फिर आप सीधे जाएं टेलीग्राम ऐप पर, वहां जाके क्रिकेटोलॉजी जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है वो सर्च कीजिए। जब आप सर्च करेंगे आपको बहुत सारे चैनल दिखेंगे, उन किसी भी चैनल पे आपको रिडायरेक्ट नहीं होना है, जो हमारा अपना ओरिजिनल चैनल है उसी पे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करने का तरीका क्या है, आपकी स्क्रीन पर है यूजर नेम @mohitcricketologist और मेंबर 12100 प्लस है। इन दो चीजों को जरूर मैच कर लीजिएगा, मेंबर ऊपर नीचे होते रहते हैं तो एग्जैक्ट अकाउंट पे मत जाना, यूजर नेम क्रॉस मैच जरूर कर लेना और ज्वाइन कर लेना। ये बात हो गई टेलीग्राम की। ठीक है, अन्यथा आप फेक चैनल पे जा सकते हो। मैच पे आ जाते हैं, डीजीडी की प्लेइंग 11 ये थी पिछले मैच में और आईटीटी की ये। इन्होंने शॉर्टेड मैच खेला था एक, क्योंकि बारिश की वजह से सिर्फ 12 ओवर का वो मैच हो गया था, है ना, तो शॉर्टन गेम खेल के आ रहे हैं ये। इसी वजह से बैटिंग ऑर्डर में प्रदीप नंबर 7 भेजे गए थे, फुल मैच में प्रदीप को नंबर 4 उतारा जाएगा, आर विवेक को 5 और फिर बाकी लाइन वाइज यही रहेगा। ठीक है, तो विशाल वैद्य दो पारी बढ़िया खेल चुके हैं, हरी निशान फॉर्म में है, मणि भारती अभी तक कुछ धमका कर नहीं पाए, विवेक ने एक मैच अपने दम जिता चुके हैं, हरिहरन भी साइलेंट रहे हैं, मोनीश बहुत अच्छा काम कर रहा है, साइलेंट किलर है इस टीम के, प्रदीप अभी तक अच्छा नहीं कर पाए हैं, एक पारी जरूर उन्होंने 37 रन की खेली, एल विग्नेश ने दो मैचेस में अच्छा काम किया है, एस अरुण अभी कुछ अच्छा कर नहीं पाए हैं, सिलंबर शरण एक मैच में अच्छा चले और एक बाकी खराब, आर सुथेश एवरेज रहे हैं। इधर बात करें आईटीटी की तो सिद्धार्थ, एस सिद्धार्थ जो कि ऑलराउंडर है, पहले मैच में कुछ नहीं कर पाए, कप्तान एस अनिरुद्ध भी कुछ नहीं कर पाए, श्रीकांत अनिरुद्ध कृष्णमाचारी श्रीकांत के बेटे हैं, विकेट कीपर है। एस आनंद ने अच्छी पारी खेली पिछले मैच में, मान वाफना मैं बार बार बोल रहा था पिछले मैच में जब विकेट कीपिंग स्लॉट में इनको डाल दिया था कि ये ऑलराउंडर है, इनको गलत डाल दिया गया है और 4 नंबर खेलेंगे, 4 नंबर बैटिंग और 2 ओवर डाले थे पिछले मैच में, हालांकि बहुत अच्छा कुछ नहीं कर पाए लेकिन स्टिल ही इज वेरी गुड प्लेयर, किसी भी मैच को अपने दम पे जिताने का मादा खिलाड़ी में है। एस कुमार ये भी अच्छा नहीं कर पाए पिछले मैच में, तुषार रहेला ने अच्छा किया क्योंकि ये सब अच्छा नहीं कर पाए जिनका बैटिंग ठीक ठाक आ गई, जिसकी वजह से विकेट कीपर्स में इनका सिलेक्शन रेशियो सडनली बहुत हाई हो गया है। राजकुमार अच्छा नहीं कर पाए लेकिन बहुत पोटेंशियल है इस प्लेयर के अंदर, 7 नंबर 6 नंबर बैटिंग के साथ पूरे 4 ओवर डालने का मादा है। एम मोहम्मद बिल्कुल राजकुमार की तरह ही बैटिंग बॉलिंग दोनों चीज, अश्विन क्रिस सीजन कैंपेनर है, मोहन प्रशांत अच्छे बॉलर है और उसके साथ लक्ष्मी इनको पिछले मैच में खिलाया था, आगे का नाम इनका काफी बड़ा सा है मैं भूल गया हूँ, नारायणन तो याद है लेकिन उससे पहले भी कुछ, ठीक है लक्ष्मी नारायण मान लो। चलिए स्मॉल लीग टीम, मिनी ग्रैंड लीग टीम, ग्रैंड लीग टीम बनाते हैं लेकिन पहले समझना जरूरी है कि खेले कहां। तो दोस्तों खेलना शुरू करिए राइडर्स 11 पर, एक ऐसा ऐप जहां यूजर कंपटीशन अभी ना के बराबर है, मैच शुरू होने से कुछ घंटे पहले कॉन्टेस्ट अगर आप ज्वाइन करेंगे तो विनेबिलिटी आपकी और भी ज्यादा रहेगी और भी अच्छी रहेगी, तो इसलिए अभी जुड़े राइडर्स 11 से। यूजर कॉम्पिटिशन, क्रेडिट वैल्यू, एंट्री कम है, प्राइज मनी ज्यादा है, फ्री गिव अवे दिलवा रहा हूं, और क्या चाहिए यार। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के कमेंट बॉक्स में और टेलीग्राम पर है, अभी के भी राइडर्स 11 से जुड़िए और जीतिए दमदार पैसा दबादब। ठीक है, 10 का 1 का 5 1 का 5 बनाते हैं। चलो चलिए आओ स्मॉल लीग टीम पे, विकेट कीपर मणि भारती और अनिरुद्ध और तुषार रहेजा, तीन ऑप्शन आपके पास। मणि भारती नंबर 3 खेल रहे हैं, कुछ कर नहीं पाए हैं, तुषार रहेजा कर तो पाए हैं लेकिन बैटिंग नंबर 6 जो कि थोड़ा सा डाउन है, मतलब अगर इनको स्मॉल लीग टीम में लेने का मतलब है तो मामला रिस्की हो जाएगा, टॉप ऑर्डर चल गया तो इनकी बैटिंग ही नहीं आएगी, फिर हम ठंडन गोपाल घंटा हिलाते रह जाएंगे, इसलिए मैं श्रीकांत अनिरुद्ध के साथ जा रहा हूं और अनिरुद्ध श्रीकांत थोड़ा, हालांकि वो अब तो
काफी ढल गए हैं, स्टिल वो प्लेयर है कि अगर 15 बॉल भी खेल गए तो 30-35 मार जाएंगे, है ना। इसलिए श्रीकांत अनिरुद्ध मेरी विकेट कीपिंग की चॉइस रहेंगे स्मॉल लीग टीम में। बैटिंग ऑप्शंस में मैं जाऊं तो विशाल वैद्य मैं सबसे पहली चॉइस लूंगा, दो बढ़िया पारी और ओपनिंग, इससे शानदार गेम कवर और प्लेयर की फॉर्म क्या चाहिए। उसके बाद मैं लूंगा आर विवेक को, ये भी ऑलराउंडर लेकिन बैटिंग में डाल रखा है तो हमारे मजे ही है, वरना ऑलराउंडर में सिर खपाना पड़ता। आर विवेक और विशाल वैद्य के बाद यहां से तीन नंबर आनंद को लूंगा, क्योंकि विकेट कीपर तो मैंने ले लिया, एक ओपनर ये हो गया और तीन नंबर ये हो गया, तो गेम कवर भी हमारा अच्छा हो जाएगा। आनंद विवेक विशाल के रूप में तीन ऑलराउंडर बैटिंग ऑप्शन हो गए, एक विकेट कीपर। ऑलराउंडर सेक्शन में यहां से आपको देखिए हरी निशांत को जरूर लेना पड़ेगा, मनीष ये आपके मस्ट पिक है, तो निशांत को लिया। और मनीष को लिया। इधर से आपके पास दो ऑलराउंडर और हैं, कौन है, मोहम्मद और बाफना, जो बेहद जरूरी है लेना, जिनका गेम कवर भी एक्सीलेंट रहेगा और प्लेयर भी क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं। चार ऑलराउंडर, तीन बैट्समैन और एक बॉलर, एक विकेट कीपर के बाद तीन बॉलिंग की जगह बची आपके पास, जिसमें अश्विन क्रिस्ट को लिया, सीजन कैंपेनर है। फिर इनके साथ किसको लिया, आर सुथेश को लिया, ये भी बहुत बढ़िया बॉलर है। तीसरा बॉलर सिलंबर आसन, क्योंकि ये विकेट टेकिंग चॉइस है, पिछले मैच में इनको विकेट नहीं मिले लेकिन बहुत टाइट बॉलिंग की, जिसकी बदौलत इनसे तीन ओवर का पूरा कोटा कराया गया था। इट शोज कि कितना कप्तान को ट्रस्ट है और क्या इस प्लेयर का स्किल होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये तीसरी विकेट की बॉलिंग चॉइस, कैप्टन हरी निशांत ऑटोमेटिक चॉइस है और वाइस कैप्टन एम मोहम्मद, ये आपकी स्मॉल लीग टीम बन गई, अपनी स्क्रीन पर देख लीजिएगा, ठीक है। आ जाते हैं हम दो नंबर टीम मिनी ग्रैंड लीग पे, तो पहला बदलाव अनिरुद्ध की जगह मनी भारती को लेकर आ गया, ठीक है। बैटिंग में जो तीन ऑप्शन यहां थे वही तीन ऑप्शन यहां रहेंगे, नो चेंज, विशाल विवेक और आनंद, तीनों चॉइसेस रहेंगे, नो चेंज इन दिस। ऑलराउंडर निशांत भी रहेंगे, मोनिश भी रहेंगे, मोहम्मद भी रहेंगे। ड्रॉप किया मान बाफना को, मान बाफना को ड्रॉप करके क्या करा है, एक गेंदबाज को बढ़ाया है, ठीक है। किसको बढ़ाया है, सिलंबर सरन तो एज इट इज रहेंगे, इनके साथ तो कोई बदलाव नहीं है। अश्विन क्रिस्ट की जगह राजकुमार को लाया हूं, राजकुमार को भी बॉलिंग सेक्शन में गलत डाल रखा है, ये भी ऑलराउंडर है, आने वाले टाइम में ऑलराउंडर में डाल दिए जाएंगे। सुथेश की जगह मोहन प्रशांत, और चौथी चॉइस एल विग्नेश, ये आपकी मिनी ग्रैंड लीग टीम बनी। कैप्टन बनाया है मैंने आर विवेक को इस टीम का, और वाइस कैप्टन आर राजकुमार, कोई इनको वाइस कैप्टन नहीं बनाने वाला है, आर राजकुमार को मैंने बनाया है, क्योंकि गेम कवर एक्सीलेंट है, परफॉर्मेंस नहीं है इसलिए कोई नहीं बना रहा है, इस मैच में अच्छा कर जाएगा अगले मैच में सब बना के चले जाएंगे, ठीक है। स्क्रीन पर टीम देख लीजिए, मिनी ग्रैंड लीग के पर्पज से बहुत एक्सीलेंट टीम है आपकी, अप टू 1000 मेंबर बहुत आराम से इस टीम से खेल सकते हो, ठीक है जी। चलिए टीम नंबर तीन, तो टीम नंबर तीन में तीसरा विकेट कीपिंग ऑप्शन तुषार रहेजा की, अगर अनिरुद्ध और मनी नहीं चले तो फिर रहेजा साहब ही काम आने वाले, इसलिए रहेजा। बैटिंग में आर विवेक को फिर से कंटिन्यू किया है, लेकिन विशाल की जगह प्रदीप को लेकर आया हूं, चार नंबर खेलेंगे प्रदीप मोस्ट प्रोबेबली, अगर बारिश वगैरह नहीं होती है तो पूरा गेम होगा तो चार नंबर ही खेलेंगे। और एस सुरेश कुमार जो इनके पांच नंबर बैट्समैन थे, क्योंकि अगर इनका टॉप ऑर्डर फंबल कर गया, उसी को सोचते हुए रहेजा को लेकर जा रहा हूं, तो उसी को सोच के साथ फिर एस कुमार को लेकर जा रहा हूं, टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो सकता है, खासकर अनिरुद्ध और सिद्धार्थ, ठीक है, दोनों को हमने नहीं लिया है। ऑलराउंडर सेक्शन में मैं फिर से चार ऑलराउंडर की तरफ गया, चार ऑलराउंडर यही कौन, निशांत मोनिश मोहम्मद
और बाफना, फिर से चार ऑलराउंडर थ्योरी पे चला गया, तीन बॉलर जिसमें राजकुमार को भी रखा, राजकुमार बाफना मोहम्मद, ये तीनों अपनी टीम की जान रहेंगे इस मैच में, विघ्नेश और सुथेश। ये आपकी ग्रैंड लीग टीम बन गई, कैप्टन इस टीम के बाफना। कोई प्लेयर अगर चार नंबर आपका बैटिंग कर रहा है और बॉलिंग दो ओवर आपको उस हालत में दे रहा है जिस हालत में पिटाई हो रही है, अगर अच्छे तरीके पहले दो ओवर विकेट मिल गया तो चार ओवर का कोटा पूरा करके जाएगा, जिसलिए कैप्टन मान बाफना और वाइस कैप्टन इस टीम के मोनीश, ये भी बहुत बढ़िया काम करके दे रहे हैं, चार ओवर पूरे डाल के देंगे आपको प्लस छह नंबर पर बैटिंग, तो पक्का वाइस कैप्टनसी की चॉइस बन जाते हैं, खासकर अर्ली विकेट्स के केस में ये दोनों प्लेयर अपनी टीम की जान बन जाएंगे। तो ये होगी आपकी ग्रैंड लीग टीम, आपकी स्क्रीन पर है, देख लो। मैच में हमारी टीम से रिलेटेड बात खत्म, ठीक है, मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा, इसलिए चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, नोटिफिकेशन बेल दबा के जाइए और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूले, क्योंकि जिन मैचेस की वीडियोस नहीं आ रही है वो आपको कहां मिलेंगी, सब यही मिलने वाले हैं, तो जरूर देखिएगा और जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, जुड़े रहिएगा, ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय माता दी।